पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या नारा है? बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही। बेटी पढ़ के भी कहां बच रही है? तुमने कितने कान सुन लिए, कितनी बच्चियों का रेप हो गया और उनको अल्लाह अकबर इस्मत दरी की गई, उसके बाद में छुरी और चाकियों से उनको अल्लाह अकबर उनके चेहरे को छलनी कर दिया गया, अल्लाह अकबर उनका कत्ल कर दिया गया। अभी तुमने दो तीन दिन पहले की खबर नहीं सुनी है? साबिया सैफी ठाकुर द्वारा की रहने वाली थी, लेकिन दिल्ली में जॉब कर रही थी। अल्लाह अकबर। और उसके साथ कितना जुल्म। नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अकबर। ये दुनियादार आज नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अल्लाह, बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही। उस साबिया की हालत तो देखो, अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो सब पता होगा। दरिंदों ने दरिंदों से भी बदतर, इंसानियत के नाम पे धब्बा। अल्लाह अकबर। उसके साथ इस्मत दरी, अल्लाह अकबर रेप। उसके बाद तकरीबन 50 बार चाकुओं से किए गए। और हद नहीं, हद तो यह है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया। क्या इंसान कहलाने के हकदार हैं वो लोग? जानवर भी अपने बच्चों से, जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन ये कैसा इंसान है? अल्लाह अकबर। ये नशे में एक खातून के साथ, एक लेडी के साथ दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने एक नारा दिया था, बचल के बोले सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है और ये आज नारा लगा रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था बेटी बचाओ जन्नत कमाओ। सुभान अल्लाह नारा, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने क्या नारा दिया? बेटी बचाओ जन्नत कमाओ। बेशक बेटी पढ़ के भी नहीं बच रही। और ये हिंदुस्तान में एक केस नहीं, हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं। उस फुला मुल्क में ये हो गया, फुला मुल्क में ये हो गया, फुला मुल्क में ये हो गया। मैं हुकूमत से भी कहना चाहूंगा, अरे दूसरे मुल्क की परवाह मत करो, परवाह करनी है तो मेरे ख्वाजा के हिंदुस्तान की करो। मेरे ख्वाजा के हिंदुस्तान की करो। कितनी बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, सालिमों ने जिसे चाहा बच्ची के साथ इस्मत दरी गई, उसे कत्ल कर दिया गया। जिसके चाहा चाहे, जिसके साथ चिया चाहा, जो किया वो कर दिया। अल्लाह पर जो चाहा वो कर दिया। किसी को सरे राह मार दिया गया, किसी बच्ची को जंगलों में ले जाकर मार दिया गया। अल्लाह अकबर। कहाँ है कानून, कहाँ है हुकूमत? अरे मैं कहना चाहूंगा, ये कहते हैं बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ। मैं कहना चाहूंगा हुकूमत से भी, अगर बच्चियों को बचाना है तो एक कानून बना दो, जो औरतों की तरफ नजर करके देखेगा उसकी गर्दन को सलील लाल गर्दन से उड़ा दिया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।